रक्षाबंधन के त्यौहार पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने ब्रदर के साथ में अपना रिश्ता मजबूत कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले वैदिक राखी की बात करेंगे कि वैदिक राखी होती क्या है। आपको मौली लेनी है या आप घर में कलावा इजीली आपके पास होगा ही। इस कलावे के साथ में हम एक पोटली बनाएंगे। पोटली में हम डालेंगे दूर्वा, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक दाना दूर्वा डालेंगे। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसर, इसमें हम डालेंगे पीली सरसों, इसमें हम डालेंगे चावल और इसमें साथ में हम डालेंगे सैंडलवुड पाउडर और एक छोटा सा, एक ग्राम से भी छोटा छोटा सा सिल्वर का पीस या गोल्ड का पीस छोटा सा। अब ये सारा कुछ डालकर हम एक अच्छे से कपड़े में या व्हाइट कपड़े में एक छोटी सी पोटली बना लेंगे। आप सिल्क के कपड़े में भी बना सकते हैं सब सामान डाल के। दूर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है। दूर्वा हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि दूर्वा विघ्नों को दूर करता है, गणेश जी को प्रिय है और दूर्वा बहुत जल्दी फैलता है। तो ये आपके ब्रदर की सारी मनोकामनाएं इच्छाएं और उनका यश फैले इसलिए दूर्वा डालेंगे। केसर इसलिए डालेंगे क्योंकि केसर एक पत्ती भी महक को और टेस्ट को, रंग को फैलाती है। तो आपके ब्रदर की ख्याति, आपका प्यार, आपका रिश्ता भी ऐसे ही फैले। येलो मस्टर्ड सीड्स बीमारियों को दूर करते हैं और जुपिटर को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आपके और आपके ब्रदर के बीच हमेशा रिस्पेक्ट बनी रहे। अक्षत इसलिए डालेंगे क्योंकि इसको अक्षत कहा जाता है, वो चीज जो कभी भी शत ना हो, वो चीज जो कभी भी खत्म ना हो, आप दोनों का रिलेशनशिप हमेशा बना रहे इसलिए इसमें अक्षत डालेंगे। साथ साथ हम इसमें डालेंगे चंदन। चंदन का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं। ये दिमाग को ठंडा रखता है। आप दोनों के रिश्ते में ठंडक भी रहे, मिठास भी रहे, इसलिए हम सैंडलवुड पाउडर भी डालेंगे। इसकी छोटी सी, सब चीजों की छोटी छोटी चीज डालकर एक पोटली बनाकर कलावे के साथ बांधकर आप अपने भाई के हाथ पर बांधें, ईस्ट फेसिंग होकर बांधें और आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में मिठास, प्यार वैदिक तरीकों से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपके ब्रदर नहीं है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अपने इष्ट देव, जिनको भी आप मानते हैं, हनुमान जी, कृष्ण जी, शिव जी, गुरुद्वारे जाते हैं तो बाबा जी को, किसी भी फॉर्म में आप ईश्वर को भी ये रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। और भविष्य पुराण में तो ये भी लिखा है कि ये रक्षा सूत्र अगर ढंग से भाई के हाथ पे बांधा जाए तो साल भर उसको बीमारियों से, बुराइयों से रक्षा कराता है, उसकी पूरी तरीके से रक्षा करता है। सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ अस।